Very good morning, dear students. Welcome to your physics class. Today we are just going to explain some topics related to your chapter light, which contains reflection and refraction. Firstly, we are going to solve your reflection part. And before watching my channel, please subscribe and share it. Okay. So, आज क्या है हमारे पास reflection of light है. Reflection. रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है बेटा, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आइए समझते हैं इसको, बड़ा सिंपल है. हमने कहा कि बाउंसिंग बैक है ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है, इसको समझिए जनरल एग्जाम्पल से. एक फुटबॉल को आपने हिट किया, क्लियर. जब हिट किया तो एक कमरे में थे आप, तो एयर में थे आप, और वो जब टकराती है किसी वॉल से, किसी दीवार से, तो टकराने के बाद बेटा वो वापस आ जाती है, लेकिन कहां पर, उसी रूम के अंदर जहां पर क्या थी, एयर थी. तो मीडियम क्या चेंज हुआ, मीडियम वही का वही रहा. मीडियम क्या रहा, वही का वही रहा. इन द सिमिलर मैनर अगर लाइट को एक दीवार पर अगर हम एक मिरर लगा दें, तो लाइट को अगर हम लेजर लाइट को दीवार शीशे की तरफ करते हैं, तो क्या होगा बेटा, वो लाइट जो है बेटा वो टकरा के वापस हमें दूसरी वॉल पे नजर आएगी, और सेम मीडियम में वो ट्रेवल करके आ रही है, प्रोपागेट होके आ रही है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. राइट बेटा, नोट डाउन करेंगे बेटा इसको. ये क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी. अब इसके दो टाइप है बेटा. पहला जो टाइप हमारे पास है, पहले जो टाइप की हम बात करते हैं, वो है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब हम इसमें क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड. इज स्मूथ, स्मूथ का मतलब बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और पॉलिश उसके ऊपर अगर बढ़िया तरीके की हुई पड़ी है, तो अगर उस सरफेस पे लाइट, समझ रहे हैं, लाइट रेज अगर पैरेलल रेज फॉल करती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल हो जाती हैं. ऐसा सरफेस जहां पर इंसिडेंट रेज, क्लियर, इंसिडेंट रेज जो कि पहले पैरेलल थी, टकराने के बाद भी वो क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को करने के लिए आई मेक द एग्जाम्पल. हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक सरफेस लिया लाइक दिस वन. ये बेटा सरफेस ले लिया. अब पॉलिश दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा. ये क्या होता है, वेल पॉलिश्ड शीशा. देखा ना आपने, शीशे के पीछे एक कलर होता है, रस्ट कलर का होता है थोड़ा सा, वो वाली चीज. तो ये क्या हमारे पास, समझ पा रहे हैं ये क्या चीज है हमारे पास, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी सरफेस है, पॉलिश सरफेस है. इस पॉलिश सरफेस के ऊपर पैरेलल रेज गिरती है. क्या गिरती है बेटा, पैरेलल रेज गिरती है. आइए हम देखते हैं पैरेलल रेज कैसे गिर रही है. लेट अस सपोज दिस वन, दिस इज द पैरेलल रेज, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड. क्लियर, ये क्या बन गया आपकी, पैरेलल रेज है. इन पैरेलल रेज को आपको पता है, रेज को हम कैसे दिखाते थे, ये हमने एरो दिखाया, दिस वन, ये आपके पास पैरेलल रेज आ गई. ठीक है, अब जो ये पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट ये आपका क्या है, इंसिडेंट पॉइंट है. इस इंसिडेंट पॉइंट पे आपको क्या लेना है, नॉर्मल लेना है. क्या लेना है बेटा, यहां पर नॉर्मल लेना है. तो मैंने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल को मैंने हमेशा डॉटेड से दिखाया है, तो आपको भी डॉटेड से दिखाना है. ये नॉर्मल लिया, और यहां पर भी क्या लिया, नॉर्मल. नॉर्मल को मैंने यहां पर लिख दिया एन वन, यहां पर एन टू, और यहां पर एन थ्री. इस रे को मैंने फर्स्ट, इस रे को मैंने टू, एंड इसको थ्री. वी आर हैविंग द थ्री पैरेलल रेज. अब होगा क्या बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएंगी, ये रे ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी, और ये रे भी आपकी कुछ ऐसे चली जाएगी. क्लियर, तो ये हो गया हमारा दिस वन. ठीक, हमने इसको मान लिया. अगर हम ध्यान से देखें
कि हमारे पास यहाँ पर पैरेलल रेज आ गई है जो रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी टकराने के बाद, अभी रिफ्लेक्शन नहीं समझिए कोई बात नहीं, ये आपकी फर्स्ट थी। तो फर्स्ट के बाद ये हमने यहाँ पर ले लिया, दिस इज दी फोर, दिस इज दी फाइव एंड दिस इज दी सिक्स। क्लियर, ये क्या चीज है बेटा आपका, वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। क्लियर, यहां पर वन एंड टू यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या आपका वन कोमा टू कोमा थ्री क्या चीज है, ये रेज हैं। क्या है ये, रेज हैं। कैसी रेज है बेटा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पैरेलल, ठीक है, इसको बीम भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास और साथ में कैसी है, इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है। फिर फोर फाइव सिक्स क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज। क्लियर, तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसके अंदर आपकी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हैं और आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नोट डाउन करोगे बेटा इसको। अब आपका आता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए जो आपका मिरर है, लेट इस सपोज आपके पास एक प्लेन मिरर है, पारदर्शी जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, उस मिरर की जो थिकनेस है बेटा, ध्यान से सुनेगा, थिकनेस एक जैसी नहीं है। अगर आप अपने आईज के पास लेके जाओ, उसकी थिकनेस बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली, और आपने उसको पॉलिश कर दिया, आपने क्या किया बेटा, उसको पॉलिश कर दिया, तो ऐसा जो मिरर है वो आपका कैसा मिरर बनेगा, इररेगुलर मिरर बनेगा, वो इररेगुलर मिरर बनेगा। तो आइए हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे भी बनाएंगे, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, आप समझेंगे बेटा इसको। तो हमने क्या लिया, इररेगुलर डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने क्या ले लिया, लाइक दिस वन, हमने क्या किया, ये हमने पॉलिश कर दिया बेटा। अभी तो ये कैसा नजर आ रहा है आपको, प्लेन नजर आ रहा है बेटा, ठीक है, और मैंने ऐसे दिखा दिया, थोड़ा सा यहां से मोटा, यहां से फिर मोटा, यहां से पतला, ये ऐसे दिखा दिया बेटा, ये आपका क्या है, मिरर है बेटा, ठीक है ये भी वेल पॉलिश, लेकिन ये स्मूथ नहीं है, वेल पॉलिश तो कह सकते हैं पर स्मूथ नहीं है, राइट। अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं क्या होने वाला है। लेट अस सपोज यहां पर पैरेलल रेज आ रही है, हमने क्या किया कि पैरेलल रेज दिखाते हैं बेटा, ये दिखा दिया हमने वन टू एंड थ्री, दीज आर दी पैरेलल रेज, बेसिकली इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल इंसिडेंट रेज, बेसिकली पैरेलल इंसिडेंट रेज, दिस इज वन, दिस इज अगेन टू, दिस इज थ्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर फिर नॉर्मल बनाना है, हम नॉर्मल बना देते हैं, इसके लिए फर्स्ट नॉर्मल हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बनाना है, इसको हमने क्या मान लिया एन वन, फिर इस पे 90 डिग्री बनाना है बेटा डॉटेड, एन टू, फिर इस पे 90 डिग्री बनाना है, आप विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए यहां पर मोटा है, यहां पतला है, फिर यहां थोड़ा मोटा, ये बिल्कुल ही डीप में चला गया, तो होगा क्या उस केस में, हमारे पास मान लीजिए ये रह गई आपकी ऐसे, क्लियर, ये रह गई आपकी ऐसे, ये रह गई आपकी ऐसे, तो देखिए क्या हो गया यहां पर, ये आपकी थ्री रे, ये फोर और ये फाइव, नहीं सॉरी फोर फाइव लेना था हमने, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव एंड दिस इज सिक्स, करेक्ट कर लीजिएगा बेटा आप। तो यहां पर देखिए अगेन, यहां पर भी हम लिखेंगे बेटा इसके बारे में, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, यहां पर हमारे पास जो वन टू थ्री जो हैं, ये क्या हैं, इंसिडेंट पैरेलल रेज, एन वन एन टू कोमा एन थ्री क्या चीज है बेटा, ये नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला पॉइंट इंसिडेंस है,
ये वाला पॉइंट इंसिडेंस है और ये वाला पॉइंट इंसिडेंस है। इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट से बना, इंसिडेंस मतलब घटना जहां पर घटित हुई। तो घटना कहां पर घटित हुई बेटा, यहां पर ही तो हुई, रे आके यहीं तो टकराई, यहां पर टकराई, यहां पर टकराई, टकराने वाले यहीं पर घटना हुई, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? ऐसे ही आपका आएगा 4, 5, 6, ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रेज बट नॉट पैरेलल। यहां पर क्या लिख गया, नॉट पैरेलल। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रेज पैरेलल हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है आपकी वो पैरेलल ना हो, रिफ्लेक्टेड रे क्या ना हो, पैरेलल ना हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? नोट डाउन करो बेटा इसको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होना चाहिए, विद डेफिनेशन विद डायग्राम। देखिए नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो बेटा अच्छा रहेगा क्योंकि मार्क्स भी मिलते हैं और ये भी कहेंगे कि नॉलेज भी होती है। तो फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे देन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। तो आइए समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका, डायग्राम से समझ में आएगा हमें ढंग से। देखिए मैं स्केल यूज कर रहा हूं तो आपको भी स्केल यूज करना चाहिए। क्लियर? दिस इज द मिरर, हमने क्या लिया बेटा, ये मिरर लिया, क्या लिया बेटा, ये मिरर लिया। आपको पता है मिरर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉलिश को दिखाना पड़ेगा, तो आपको भी पॉलिश को दिखाना है बेटा, ये पॉलिश दिखा दी। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई लेजर लाइट है, आपने लेजर लाइट को लाइक दैट ऐसे किया, ठीक है, ये कहीं पर भी जाके हिट करेगी, इस सरफेस पे कहीं पर भी जाके हिट करेगी, तो उसको हम दिखाते हैं एक लाइन से। लेट अस सपोज हमने एक इंसिडेंट रे विद द हेल्प ऑफ योर लेजर और समथिंग एल्स, आपने कुछ भी ले लिया, उस लेजर लाइट को आपने हिट किया इसके किसी भी पॉइंट पे, लेट इज दिस, ये हमने ले लिया बेटा। ठीक है, ये जो हमारी आई लाइन, हमने इसके ऊपर एरो बना दिया, ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इंसिडेंट रे। तो लिख सकते हैं बेटा यहां पर, इसको नाम दे देते हैं कहां पर हिट करेगी बेटा, ये इस पॉइंट पे हिट करेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब हिट करेगी बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर, यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, नॉर्मल लेना पड़ेगा। राइट, क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मल लेना पड़ेगा। हम नॉर्मल लें इसका, चलो नॉर्मल लेते हैं, हमने यहां पर नॉर्मल ले लिया, ये मैं स्केल से बना रहा हूं बेटा, आपको इसके लिए प्रोटेक्टर यूज करनी है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाना है आपने यहां पर और डॉट से बनाना है। ये मैंने 90 डिग्री बना दिया बेटा, यहां पर मैंने इसको लिख दिया N, ये इंसिडेंट पॉइंट है, हमने इसको लिख दिया O। ठीक है, और जो हमारी रे आई थी उसका नाम हमने क्या लिख दिया, यहां पर हमने मान लिया A। ठीक, अब इसके बाद होने वाला क्या है, ये जो लाइट है बेटा इस इंसिडेंट पॉइंट से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक वाला फिनोमिना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा और हमने यहां पर इसको मोड़ दिया। क्लियर? तो ये हमने मोड़ दिया बेटा यहां पर, ये ऐसे दिखा दिया, ये बाउंसिंग बैक हो गया और हमने यहां पर ले लिया ऐसे, ये इसको पॉइंट को मान लिया मैंने बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर होने के बाद बेटा आपको नोट करना है ये जो एंगल, चलो एंगल की बाद में करते हैं बात, फिलहाल ये करते हैं, यहां लिखते हैं इसके बारे में हमारे पास क्या है। यहां पर हमने नाम दे दिया एम वन और ये क्या दे दिया M2। सबसे पहले M1, M2 क्या है बेटा आपका, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो घरों में हमारे लगा होता है जिसमें हम सुबह कॉम करते हैं। ठीक है, उसके बाद AO क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, NO क्या है बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, टू दी मिरर, टू दी मिरर। उसके बाद ओ बी क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट, आप इसको समझिए, आप मैंने क्या किया बेटा यहां पर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने हर चीज लिख दी है। तो देखिए क्या है, ये जो पेपर है बेटा, इसके लेंथ भी है और उसकी ब्रेथ भी है। क्या है, इसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी है। अगर लेंथ है, ब्रेथ है, तो
तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, आपको याद होना चाहिए ग्राफ में, ग्राफ में हमारे पास ये पेपर बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा बेटा x और ये क्या होगा बेटा आपका वाई। जो भी चीज़ इसके अंदर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, किस में है वो, प्लेन में है। इसमें है बेटा वो प्लेन में है। तो देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें ये मिरर कहाँ पर है, प्लेन में। ए ओ कहाँ पर बनाया हमने, पेपर के बीच में यानी प्लेन में। एन ओ ये भी कहाँ पर है, प्लेन में। ओ बी ये भी कहाँ पर है बेटा आपका, प्लेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, राइट। सभी के सभी कहां पर करते हैं, लाई प्लेन में करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा क्या है, ये जो एंगल है बेटा ये वाला, ये देखिए ये वाला एंगल, इसको मैंने ले लिया आई, और ये वाला जो एंगल है बेटा यहां तक इसको मैंने ले लिया आर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ एन किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मतलब एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, विद नॉर्मल, राइट। सिमिलरली एंगल बी ओ एन इज इक्वल टू आर, ये क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है आपका एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, राइट। और यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करें कि ये जो एंगल हैं, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, इफ यू आर हैविंग द लेजर लाइट एंड अ प्लेन मिरर एंड यू विल मेक द अरेंजमेंट, सिमिलर अरेंजमेंट इन योर होम, तो यू विल फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको नोट डाउन करना है बेटा, एंगल आई इज इक्वल टू आर, ये क्या है आपका, ये है आपका सेकंड लॉ। तो आपको याद रखना है दो लॉ हमारे पास है, फर्स्ट लॉ एक सेकेंड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, अब नोट डाउन करके लिखेंगे हम नोट डाउन करके करेंगे लिखेंगे ये जो लॉ है बेटा, दिस लॉ, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, क्लियर। ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, चाहे वो स्फेरिकल क्यों ना हो, क्लियर। मतलब जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर ये ला लागू होगा आपका, अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका शीशा हो, चाहे वो आपका स्टील की एक बर्तन हो, चाहे वो आपकी चम्मच हो, जहां भी आप इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखेंगे बेटा वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझने में, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसका एक केस और लेते हैं कि अगर अगर एक इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल करती है तो क्या होगा, ठीक है। ये नोट फर्स्ट था, अब नोट सेकंड क्या है, इफ अ रे
falling normally on the reflecting surface. तो क्या होगा बेटा, उसको समझना है, ठीक है? तो डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, आपको समझ लेना है. हमने क्या किया, यहां पर एक लाइन ड्रा की. लाइन का मतलब एक मिरर ड्रा किया बेटा. ये मिरर को मैंने दिखा दिया, क्लियर? अब इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर एक रे नॉर्मली फॉल करती है ऊपर से ऐसे. तो हमने क्या ले लिया, ये ए और ये क्या ले लिया, ओ. अब नॉर्मल कहां होगा, यही नॉर्मल होगा आपका, ठीक है? ये वाला यहां पर हमने नॉर्मल ले लिया. अब क्या होगा, टकरा के ये बैक चली जाएगी, टकरा के क्या करेगी, ये बैक चली जाएगी. तो अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो देखिए क्या मिरर, क्या इंसिडेंट पॉइंट, क्या इंसिडेंट रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये सभी प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं? तो आंसर होगा ये, इस पेपर में बनाया तो प्लेन पे एग्जिस्ट कर रही हैं. दूसरी बात, एंगल आई क्या होता है आपका, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल कितना है, जीरो. तो एंगल आई कितना है बेटा, जीरो है. तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इज इक्वल टू आर. तो आर भी क्या हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें क्या कहेंगे कि ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे रिट्रेस रिट्रेस इट्स पाथ. क्या लिखेंगे, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ, राइट? ओके बेटा, यहां तक नोट डाउन करेंगे. लास्ट जब आपका हो जाएगा, मैं ये सारे पीडीएफ करके डालूंगा आपके जितने भी आपके नोट्स हैं. सो प्लीज कॉपी कीजिएगा, मैं ये कहूंगा कॉपी कीजिएगा, राइटिंग अच्छी हो, डायग्राम अच्छे हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. टिल देन बाय, थैंक यू.